हमारे चैनल राज पुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बस अभी आपने देखा कि हमने बना दिए हैं नमकीन चावल बच्चों के लिए, क्योंकि आज सैटरडे हैं तो खाकर जाएंगे तो खाकर चले जाएंगे और साथ में अगर लेकर जाएंगे तो साथ में लेकर चले जाएंगे। तो बच्चे भी हो चुके हैं रेडी, मैं बताती हूँ। सृष्टि भी रेडी हो रही है, कल इसके भी दो चोटी बनाना बाकी है। और ये रही जमूरी, बना दूँ थर्ड चोटी? हाँ चल। तो यहाँ पे मस्त मज़ेदार से नमकीन चावल बनके हो चुके हैं रेडी, जो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं यूवी के लिए ले लेती हूँ क्योंकि वो यहाँ पे खा के जाएगा। तो मैंने यूवी के लिए ले लिए हैं चावल, अब यूवी को दे देते हैं। तो ये रहा यूवी जो हो चुका है फुल रेडी, और ये रहे यूवी के नमकीन चावल। खा ले यूवी फटाफट। तो लंच बना दिया है और अब फटाफट से लंच कर लेते हैं क्योंकि बच्चे तो स्कूल से लेट आएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाई है फूल गोभी और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने रोटी ले ली है, सब्जी ले लेती हूँ और ऊपर से नमक तो मुझे डालना ही पड़ता है थोड़ा सा। और ये रहे मेरे फेवरेट नमकीन चावल जो यूवी खा के गया, किसु और सृष्टि लंच बॉक्स में लेके गए। तो चलिए लंच कर लेते हैं। तो खाना वाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री और अभी बज गए 1:45। लेकिन अभी मैं करूँगी एक वीडियो कॉल, किसको वो भी बता देती हूँ, मेरी स्वीट भांजी तनीसा को, क्योंकि उसका है आज बर्थडे। लेकिन मैंने सुबह से उसको कॉल नहीं किया, विश तो मैंने उसको मैसेज तो भेज दिया था, मैंने सोचा वो स्कूल गई हुई है तो फिर वो जब घर पे आएगी तभी मैं उसे वीडियो कॉल पर विश करूँगी। तो बस अब तनीसा को मैं वीडियो कॉल पर विश करती हूँ, देखते हैं वो क्या कर रही है। ए हैप्पी बर्थडे तनीसा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई करे कुछ नहीं। ओ आज तो तनीषा और बर्थडे है, जन पार्टी आल्टी तनीषा बर्थडे पार्टी कटे है वो शाम को थार जोधपुर में। हाँ। और स्कूल आएगी भी तू? हाँ। और सब ठीक है। और आज तो थारा बर्थडे है, हैं? कितना साल रही भी तनीसा तू बता जान? बर्थडे गर्ल कितना ये रही उठाई को नहीं? हैं? पैसे आप आओ ना इधर। हैं? मैं तू ही आई जा, मैं तू आई जा जे, हैं? आप उधर पहले आपने बोला था मैं आऊँगी, उसके बाद में आप आए नहीं। हैं? तेरे वेकेशन होंगे ना, थार छुट्टिया रहे नहीं, हिंदी मत बोला, अपन मारवाड़ी में बात कर रहा था, छुट्टिया रहे नहीं, जो तू आई जाए जो है, ठीक है? ठीक है। तो आज हम चील का अलग तरीके से उपयोग करने जा रहे हैं। हम बना रहे हैं आज चील का ढोकला, ज्यादा होगी तो उसकी थोड़ी सब्जी भी बना लेंगे। ये मम्मी की फरमाइश में चील और लौकी का मिक्स ढोकला बनाएंगे आज। इसको धो के अब उबालने रख देंगे। और यहाँ पे मम्मी लग गए अपने उसी काम पर, लहसुन छीलने। मम्मी ओ वैसे नहीं, सब मुश्किल काम है, मन ध्यान है आपनी, आज में घणो दोरो छोल थी वो लागे इजी है कि लहसुन छोलना, पर बहुत हार्ड काम है, सही है ना मासी? लहसुन छील। चलिए बनाते हैं मिक्स ढोकला। वैसे तो प्रोसेस तो वही होती है जो लौकी के ढोकले की होती है। तो यहाँ पे हमने लौकी को कद्दूकस किया, हरा धनिया काट लिया, और ये देखिए ये एक नई चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये है कोरमा। जो मूंग की दाल बनाते हैं उसमें से जो छालने पे निकलता है तो उसको हम कोरमा बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा भिगो दिया था और अब यहाँ पे हमने इसमें कोरमा ऐड कर दिया, और अब ऐड कर देंगे इसमें जो उबली हुई चील है वो। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो गया आज। तो यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर देंगे, और अब जो भी सारे मसाले हैं जैसे अजवाइन हो गई, तिल हो गए, और यहाँ पे हम इसमें पापड़ खारा भी अभी ऐड कर देंगे क्योंकि पानी हम गर्म नहीं करेंगे, जो लौकी खुद है वो इतना पानी छोड़ती है तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने पानी में गर्म पानी नहीं किया, बस पापड़ खारा ऐसे ही डाल दिया।
और नमक डाल दिया, हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा साबुत जीरा और थोड़े से साबुत जो सूखा धनिया था वो डाल देंगे, उससे क्या थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। और हम यहाँ पे इसमें कलर के लिए थोड़ी सी ही लाल मिर्च ऐड करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखी है। तो बस अब ये मसाला तो रेडी हो गया, अब इसमें सारे जो भी हमारे पास में आटे अवेलेबल हो डाल सकते हैं, बाजरी का हो गया, मक्की का हो गया, वैसे तो हमने तो खाली गेहूँ के आटे में और थोड़ी सी हमने सूजी डाली है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देख लीजिए इतना, मतलब ये पानी ना डालने पर भी इतना ढीले ढीले से इसके ढोकले बने, पर बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ढोकले बनाकर जो इडली स्टैंड है उसमें स्टीम करने के लिए रख देंगे। ढोकले तो हमने बनने रख दिए और मैं भी आ गई हूँ टेरिस पे और मैंने काफ़ी सारे झूले भी खा लिए क्योंकि मैंने सोचा ढोकलों को बनने में लगेंगे अभी 20 मिनट, तब तक मैं ये कपड़े लेकर आ जाती हूँ, वो बनकर रेडी होंगे तभी पता चलेगा खाएंगे तब के कैसे क्या बने। क्योंकि आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ किया, डिफरेंट तरीका वही चील की भाजी डालकर बनाए, बाकी लौकी के तो हम लोग बनाते रहते हैं, तो खाएंगे उन्हें तभी पता चलेगा कि टेस्ट में कैसे लग रहे हैं। और मैं तो टेस्ट ही करने वाली हूँ, मुझे तो ढोकले पसंद नहीं है इसलिए, दाल ढोकली मुझे बहुत ही पसंद है, कौन से भी तरीके से बनाऊँ मुझे तो अच्छी लगती है। तो बस ये कपड़े ले लेती हूँ और 6 बजे में ही लाइटें चालू करनी पड़ती है क्योंकि हो जाता है अंधेरा। अंधेरा तो सब जगह एक जैसा ही होता है, कहीं पे भी जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी कम है, मतलब ठंडी नहीं लगती है यहाँ पे बिल्कुल भी, थोड़ी सी सुबह सुबह में होती है, अभी तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हवा इतनी अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो भी अच्छी लग रही है कि हवा चल रही है, नहीं तो अभी स्वेटर या जैकेट पहनना पड़ता है। तो कपड़े ले लेती हूँ, तब तक नीचे जाऊँगी, तब तक ढोकले भी बन जाएंगे, फिर बताएंगे कैसे क्या बने। तो ये तो सारे सूखे हुए लेकर जाने हैं नीचे और अभी इतने सारे सूख रहे हैं। तो मासी जी यहाँ पे ढोकला खा के कर रहे हैं वॉक, मासी यादव छोटी की वॉक है थारी बालकनी में। तो ढोकला कैसे बने मासी? सबको पसंद, बहुत पसंद है, मैंने भी खा लिया, मुझे भी अच्छा लगा। और मैं हुई हूँ मेरे कपड़ों के काम से अभी फ्री, तो मैं खाऊंगी चील की सब्जी के साथ में रोटी, अच्छे बने ना। मैंने बोला था कि हमने नया ट्रिक अपनाया इसलिए चील की भाजी के साथ में मस्त लगे। सबको बहुत बाकी पूरे भी हो गए, तो इसी के साथ में मासी आज ब्लॉग एंड तो ही कर दे। तो हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू तो कहते हैं वो ब्लॉग देख के जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ब्लॉग तो आपने देख ही लिया, तो बस जाते जाते तनु का बर्थडे सेलिब्रेशन भी देखते जाइए कि तनीषा ने जोधपुर में अपना बर्थडे कैसे मनाया। आप तेरी फ्रेंड्स खिला देंगे सब ले, हाँ सबको।